तो फाइनली ट्रेडिंग फ्लोर का वीडियो आप लोगों ने देख लिया, आई होप मजा आया होगा, आपने पक्का कमेंट करके बताया होगा। अब आज का दिन है फ्राइडे का दिन है, ठीक है, यहाँ पे हो क्या रहा है हमारी ट्रेडिंग फ्लोर, मैं आपको दिखाता हूँ, तो आ जाओ। आज क्या हो चुका है, बन चुका है दोपहर, हो चुके हैं दो बच्चों का, इंडियन मार्केट बंद हो चुका है, वीडियो शूट करना स्टार्ट कर रहा हूं मैं, और इसलिए लाइव ट्रेड रिकॉर्ड नहीं कर पाया इंडियन मार्केट का, बट अभी अपन फॉरेक्स मार्केट में क्या ट्रेड कर रहे हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। इंडियन मार्केट में क्या किया अभी दिखा दूंगा लैपटॉप पे, बट आप देख सकते हो टीम बैठी है, कोई अपॉर्चुनिटी स्पॉट कर रहा है, कोई मार्केट बंद होने के बाद पोस्ट मार्केट एनालिसिस बना रहा है, कोई फंडामेंटल न्यूज आ रहा है, मार्केट में निकाल रहा है, सब अपना अपना कुछ कुछ काम कर रहे हैं। तो अब हम फॉरेक्स में कोई ट्रेड आएगा क्या अपने पास, अपन वो देखेंगे, बट मैं आपको इधर आओ मैं आपको दिखाता हूँ, एक ट्रेड हमारा ऑलरेडी फॉरेक्स में ऑन है, यूरो सीएडी जो टारगेट दे चुका है, बट हमारे कुछ क्राइटेरिया के हिसाब से ये और नीचे जा सकता है, तो उसको हम ट्रेल कर रहे हैं। तो ये स्मॉल अकाउंट में ये ट्रेड लिया हुआ है, $1000 का अकाउंट है मेरे भाई, देखो $98 मतलब 10% रिटर्न इसमें निकल चुका है, तो कैसा, और इसका और ये अकाउंट हमने चालू भी बहुत कम अमाउंट से किया था, ठीक है, तो अभी ये 10% का रिटर्न आपको ये अकाउंट दे रहा है, ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका क्या होगा। और उसको छोड़ के भी हमारे पास बहुत सारी एंट्रीज है जो हम लोग स्कैन कर रहे हैं। ओके, सो जस्ट अब हमने नया अकाउंट बना लिया अपने लिए, जिसमें हम आज ही ट्रेडिंग फ्लोर स्टार्ट किए, तो $50,000 अपने का, $50,000 यानी कि अप्रॉक्सिमेटली 40 लाख रुपीस का अकाउंट हमने स्टार्ट करने के लिए डाल दिया। अब जो वहां पे $1,000 के हिसाब से वो था ना, इसके हिसाब से तो वो $5,000 होता, लेकिन नहीं, इसमें हम और कम रिस्क लेंगे। तो एनीवेज दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ वेरी बिग थिंग, और अभी अब मार्केट में अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा, एंटर करूंगा और अपन मैनेज करेंगे, ठीक है। चलो आओ अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टॉक मार्केट में आज आपने सब क्या हुआ। तो स्टॉक मार्केट में हमारी पहली अपॉर्चुनिटी आती है लॉन्ग, मैं आपको यह दिखाता हूँ, दिस इज अ वेरी सुपर बुलिश कैंडल, जिसमें कि नो एक हैमर की भी क्वालिटी, एक बुलिश एंगल्फिंग की भी क्वालिटी यहाँ पे लॉन्ग किया हमने, एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 बनाया हमने, एंड हाउ मच वी बुक्ड इन दिस यूजिंग वेरी स्मॉल अमाउंट, 40,000 रुपीज कैपिटल यूज करके 14,000 रुपीज बनाया हुआ है, बट अकाउंट 2 लाख रुपए का है, ठीक है, तो दिस वॉज द फर्स्ट ट्रेड, राइट। और फिर सेम चीज हम क्या करते हैं ऑप्शन सेलिंग अकाउंट में ना, और लंबा टारगेट खींचते हैं कि मार्केट साइडवेज जाएगा तो भी कमाएंगे, और फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसमें कितना प्रॉफिट बुक किए, 3 लाख के अकाउंट में 6,000, यानी 2% अपन ने ऑप्शन सेलिंग अकाउंट में भी किया, अकाउंट छोटा था। और अब क्या, जैसा फॉरेक्स का अकाउंट बिग किया ना, ऑप्शंस का भी कर रहे हैं, 2-3 दिन के अंदर हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग का अकाउंट भी बड़ा हो जाएगा, तो इस और मजा आएगा नंबर देखने में। फिर उसके बाद मार्केट ने धराओ सेकंड हाफ में अपन को अपॉर्चुनिटी दी, ये देखो मार्केट ने ना इतना बढ़िया ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने के बाद नीचे सेल दिया, एक बियर फ्लैग सॉर्ट ऑफ बनाया, एक रीटेस्ट किया, बड़ी रेड कैंडल बनाई, मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, बहुत ही ज्यादा बड़ी करी, नॉमिनल क्वांटिटी से शॉर्ट किया, एंड फाइनली हैव बुक्ड अराउंड 158 में से 1,15,000 एक्चुअली बुक किया उसमें, बट ओवरऑल 158 एक दूसरे अकाउंट में बुक किया मेरे अकाउंट में। तो दिस इज अवर यू नो डे हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए। अब सब कुछ चेंज होने वाला है 2-3 दिन के अंदर, ये सब बड़ा होने वाला है, ठीक है, बिकॉज इसी का वेट करते कि बन कब जाएगा ट्रेडिंग फ्लोर, अब ये बन गया है, लेट्स सी फॉरेक्स में क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। भाई एक इवेंट था जो हम जिस ट्रेड को ट्रेल कर रहे हैं, इवेंट डे पे हमारे तरफ बढ़ गया, दुख इसी बात का है कि $1,000 के अकाउंट में हो रहा है ये सब, $50,000 वाले अकाउंट में नहीं हो रहा है, बट कोई नहीं, ट्रेड तो ट्रेड है, ठीक है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, कितना हो गया प्रॉफिट, $160 हो गया है भाई प्रॉफिट, $1,000 का अकाउंट है, और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते करके ऐसे नहीं तो फिर ये भी अकाउंट डबल हो जाता अभी तक, बट स्टिल इट्स $150। तो लेट्स सी विल बुक द प्रॉफिट एट एनी प्राइस एक्शन लेवल, बट लेट्स सी इफ वी गेट एन अपॉर्चुनिटी विद अ बिगर अकाउंट, क्योंकि आप लोगों को बड़ा अमाउंट दिखने में मजा आता है ना, देखते हैं चलो। तो गाइस नाउ वी आर बुकिंग द प्रॉफिट्स, 1:3.86 हो चुका है, 173 $1,000 के अकाउंट में 17% का प्रॉफिट है, क्लोजिंग द पोजीशन एंड क्लोज विद प्रॉफिट, डन भाई, है ना, तो अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया है, काश $50,000 वाले अकाउंट में क्या होता, बट ठीक है, अब इस अकाउंट को थैंक यू बोलते हैं, बहुत साथ दिया आपने, अब आपका नया अकाउंट शुरू करते हैं, इसके बाद कोई ट्रेड मिलता है तो मुश्किल लग रहा है, इवेंट कैंडल इतनी बड़ी बड़ी बन रही है, कहाँ एंट्री कर पाएंगे, लेट्स सी, दुखते हैं देखते हैं। तो गाइस हमारे सामने एक सिचुएशन है, अगर आप ये इस बड़े मूव को देखोगे, इसको अगर मैं बड़ा मूव मानता हूँ, इसको पुल बैक मानता हूँ, तो एग्जैक्ट 61% पे अपन को एक रिट्रेसमेंट मिलता है। अब इसको अपन क्या फिबोनाची हटा देते हैं ताकि थोड़ा सा कम कॉम्प्लिकेटेड दिखे। अब मैं 31 टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, तो आपको दिखेगा कि मार्केट गिरते गिरते में एक वी शेप रिकवरी लेके यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट दिया, दिख रहा है आप लोगों को, अच्छा ब्रेकआउट दिया है,
बट कैंडल तो क्लोज नहीं हुई है क्योंकि हमने इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री ली है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा जोन था, यहाँ पे सपोर्ट लेता था, फिर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो चुका है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया हुआ है, ठीक है, जिसमें अपन स्टॉप लॉस जो है ना इस कैंडल के यानी जोन के थोड़ा नीचे बनाएंगे। लेट्स से इसका जो स्टॉप लॉस आएगा अपना एटलीस्ट 30 पिप्स के आसपास अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा। तो दिस इज अवर ट्रेड एंड देखते हैं हमारा जो टारगेट लगभग इस लेवल के आसपास हम बुक करेंगे। तो पहला ट्रेड है अपना, ठीक है, जो कि एक बड़े अकाउंट में लिया हुआ है। तो दिस इज अकाउंट ऑफ $50,000 इफ यू कैन सी, जिसमें हमने सिर्फ 3 लॉट लिया हुआ है। इसमें हम चाहे तो 30 लॉट भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी है, बट जानबूझ के वी आर फॉलोइंग रिस्क मैनेजमेंट एंड ये अपन ने लिया। और बिल्कुल मैटर नहीं करता कि क्या नंबर है क्या है, दिस इज व्हाट वी शुड फोकस ऑन। ये फोकस देखो ना, अभी रेड था, अभी ग्रीन हो गया $15-20, तो ये देखूंगा तो परेशानी होगा, तो मैं इसको मेरे को फोकस करना है। दिस इज अवर ट्रेड एंड आई होप यू अंडरस्टैंड द ट्रेड आइडिया। आई होप यू अंडरस्टैंड कि नंबर मैटर नहीं करता, $50 के आसपास आ गया वो, इतना तो मैं प्रॉफिट बुक करते थे अपना। तो भाई $70-80 हो गया, ये तो डबल प्रॉफिट हो गया $1,000 के अकाउंट से। इसलिए इसको देखना ही नहीं है, इसको देखना है और एकदम इमोशनलेस होकर अपन को इसको फॉलो करना है। लेट्स सी हाउ डस ये कैसा ट्रेड काम करता है, नहीं करता है, देखते हैं। क्या कर रहे हो सर? तुम्हें पता नहीं ये नई ट्रेडिंग टेक्निक है भाई? ऊपर जा भाई, देखो थैंक गॉड मतलब ट्रेड चालू हो चुका है और $300 पार कर गया है ना, मतलब पुराने अकाउंट के हिसाब से तो बहुत बड़ी बात है, बट स्टिल द ट्रेड हैज स्टार्टेड नाउ वर्किंग इन आवर फेवर। चलो लेट्स सी क्या होता है। तो एक और एंट्री बन रही है AUD USD में, रीजंस बहुत सारे हैं। एकदम बढ़िया सा मार्केट फॉल करता है, एक अच्छे से सपोर्ट लेवल को तोड़ता है, ठीक है, यहाँ पे अब पूरी तरीके से लिक्विडिटी ग्रैब और मार्केट वापस उस लेवल पे, अच्छा ब्रेकआउट है। ये रही एंट्री, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ओवरसाइज्ड है, सिर्फ 3 लॉट्स, और भी ज़्यादा लॉट बढ़ा सकते थे, फिर 3 लॉट्स पे लेके हमने फिर से एंट्री ले दो ट्रेड्स हमारे ऑन है। लेट अस सी क्या होता है, अब अपडेट दूंगा, एकदम कुछ सीरियस अपडेट आएगा तो ही। क्या कर रहे हो सर? चुप के नहीं, बहुत सारी रखी है आप लोग के। ऑलराइट गाइस, तो अभी एक अपडेट टाइम आ चुका है कि अभी हमारा जो ट्रेड है ना 50% काम कर चुका है। तो अभी लॉजिक क्या कहता है, जो ट्रेड मेरा मैं 50% भी सही था ना, तो अब मैं लॉस लेके तो नहीं निकल रहा। देखो अभी एक ट्रेड हमको GBP JPY $1,000 के आसपास $1,000 यानी कि लगभग ₹80,000 दे रहा है, नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसको लॉस गिन लूंगा। अब मैं इस पे ब्रेक इवन का स्टॉप लॉस डाल दूंगा। तो राइट नाउ एज ऑफ नाउ वी आर हैविंग अ पोजीशंस ऑफ $1,400 के आसपास, $1,300 प्रॉफिट दिखा रहा है, व्हिच इज अ वेरी नाइस अमाउंट, बट वी डोंट केयर अबाउट द अमाउंट, वी डोंट केयर अबाउट द मनी, वी केयर अबाउट द प्रोसेस। तो प्रोसेस कहता है अब मेरे को इसको ब्रेक इवन पे डाल के ना रिलैक्स बैठना चाहिए, ये ट्रेड का वेट करेंगे यहां तक आने का, इसे ब्रेक इवन डालेंगे, फिर जब ये यहां पहुंचेगा तब अपन इसको बुक करेंगे, प्लानिंग करेंगे। कहा है चाय का पत्ती? क्या कर रहे हो सर? बस स्टाफ वो तो चला गया, नहीं जो बनाता था, तो चाय बना रहा हूँ। और क्या टारगेट इधर आ जाते हैं, अलर्ट बच चुका है, टारगेट टच कर दिया ना अपन ने, यस टारगेट टच कर दिया। तो नाउ वी आर गोइंग टू बुक अवर फर्स्ट प्रॉफिट, फर्स्ट ट्रेड, फर्स्ट प्रॉफिट, अब दिखा भी दूंगा $1,600 का। अपन इसको करेंगे क्लोज, इस पे जाएंगे, क्लोज पोजिशन पे क्लिक करेंगे, क्लोज विद प्रॉफिट डन। और ये जो नीचे ट्रेड चल रहा है इस ट्रेड को भी मैं कट करूंगा, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू क्लोज द डे, क्योंकि वीकेंड भी मैं कुछ होल्ड नहीं करना चाहता, इसको देखा क्लोज पोजिशन। और आपको अब मैं दिखाऊंगा यहाँ लेके जाऊंगा ट्रेड पे, और इधर देखो दिस इज अनीश सिंह ठाकुर एंड दिस इज रियल अकाउंट, ओके, दिस इज कैपिटल मैनेजमेंट रियल अकाउंट $51,000। और अगर अपन आएंगे ट्रेड पे तो अपन को देखने मिलेगी हिस्ट्री, दो ही ट्रेड लिया अपन ने, बैलेंस आया $50,000 और दो ट्रेड, तो देख दो $1,630 $260 हो गया ना, $2,007 $2,000 कितने होते हैं 1,60,000 फॉर द फर्स्ट डे इज नॉट अ बैड स्टार्ट फॉर द ट्रेडिंग फ्लोर, सो दैट्स ग्रेट ग्रेट एंड ऑफ द वीडियो। तो भाई आई होप मजा आया वीडियो में, लर्निंग क्या थी, दो मिनट बात करते हैं चाय। क्या हो गया सर, चाय भूल गई क्या? टारगेट बुक करते करते प्रोसेस नॉट ऑन द मनी। दूसरा पार्ट कि आप अपने एंट्री क्राइटेरिया और एग्जिट क्राइटेरिया पूरी तरीके से ना क्लैरिटी होनी चाहिए आपके टेक्निकल क्वाड्रेंट में, कि आप एंट्री कब लेते हो। जैसे हम एंट्री लेते हैं अगर हमको बहुत ज्यादा कन्फ्लुएंस मिलता है या प्राइस एक्शन में कुछ बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिलता है, वो आपको भी मालूम। मेरे को लगता है सब लोगों के पास अपनी अपनी टेक्निकल स्ट्रेटजी तो होती है, प्रॉब्लम होती है अप्लाई करने में या रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने में। तो यू नीड टू हैव डिसिप्लिन कि आपको मन कर रहा है, आपको लेवरेज आप कितना भी ले सकते हो फॉरेक्स में, आप लेवरेज 1:100, 1:200, 1:1000 तक ले सकते हो।
मैं जानबूझ के अपने अकाउंट में 1:20 के ऊपर नहीं लेता, 1:20। अब समझ रहे हो, ब्रोकर इज गिविंग मी 1:100, खुद पूछ रहे क्यों, व्हाई आर यू चूजिंग दिस, बट आई वांट टू ट्रेड 1:20। सो दिस इज लेस ग्रीड, मोर ऑफ यू नो फॉलोइंग द प्लान एंड स्टिकिंग टू योर प्लान। ये सब बहुत बढ़िया बातें हैं जो आप फॉलो कर सकते हो, एंड फॉरेक्स इज अ ग्रेट वे टू मेक मनी, जहां पे बहुत सारा ऑप्शंस की कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं होती, आप सिस्टम पे स्टॉप लॉस टारगेट डाल सकते हो और हमेशा खुला होता है। वीकेंड पे मैं ट्रेड होल्ड नहीं करना प्रेफर करना चाहता किसी भी रीजन से, साल में एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेरा रिस्क पर ट्रेड या रिस्क पर डे मेरा एक्सीड कर दे 20% 25% अकाउंट ब्लॉक कर दे, क्योंकि वो छोटे अमाउंट्स में ठीक लगता है। बट अब कैसा, $50,000 भी छोटा ही अमाउंट है बट एक नॉर्मल साइज अमाउंट है, कल को लेकिन $1 million पे हम थोड़ा बहुत भी झटका नहीं खा सकते। इसलिए ओवरनाइट ट्रेड्स में होल्ड करना ही नहीं चाहता, सिस्टम स्टॉप लॉस डाल कर मैं ट्रेड करना चाहता हूं। तो दैट इज द लर्निंग। आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा जरूर बताना, चाय वाला पार्ट अच्छा लगा कि स्टॉक मार्केट में जो अपन ने किया वो अच्छा लगा, यही अच्छा लगा जरूर बताना। फाइनली आपको एक अपडेट देना चाहता हूं कि आप जो भी है देख रहे हैं वीडियो, आप सब लोग के लिए एक ऑफर है यहाँ पे CMS प्राइम। अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हो तो आपको डिपॉजिट बोनस मिलेगा 10%, यानी अगर आप लेट से $1,000 डिपॉजिट करते हो तो $100 बोनस मिलेगा, यानी कि अगर आप $10,000 डिपॉजिट करते हो तो 1000 मैक्सिमम, 15,000 करोगे 20,000 करोगे तो भी 1000 ही बोनस मिलेगा। तो लिमिट है $1,000 एक्स्ट्रा बोनस मिल सकता है अगर आप डिपॉजिट करते हो तो। अपना अकाउंट ओपन कर, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और उसके बाद आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी जैसी हर जगह मिलती है। आप अपना गोल्ड क्रूड ऑयल पेयर सब कुछ ट्रेड कर सकते हो, मैं तो यूजुअली सिर्फ पेयर ट्रेड कर रहा हूं बट आप कुछ भी ट्रेड कर सकते हो। ओके, एक थोड़ा बात बता दूं, बोनस कैसा होता है, ये बोनस को आप विदड्रॉ नहीं कर सकते ना। और ये बोनस क्या होता है, आपने $1,000 डाला, 100 मिल गया, अब लॉस हुआ तो क्या होता है, लॉस मेन वाले से हो गया, मान लो 200 और लॉस हो गए तो आपका 800 मेन बैलेंस है और ये अभी भी बैलेंस रहेगा, यानी कि यू विल बी एबल, अपना 100 गया तो भी ये रह सकता है। मान लो 1100 डाल के आपने पैसे कमा लिए, अब जो भी कमा लिए ना आप पूरा विड्रॉ कर सकते हो बोनस छोड़ के। ये बोनस एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, मेरे हिसाब से 3 महीने तक ये वैलिड होता है। और एक चीज होती है, कभी भी पैसा विड्रॉ करो अकाउंट से तो ये चला जाता है, तो मेक श्योर यू विड्रॉ द मनी ओनली व्हेन यू रियली नीड इट। तो ये बेनिफिट है, अभी आप ओपन करा लो अकाउंट तो आपके हो जाएगा, तो लिंक पे क्लिक करके कर लो। और मेक श्योर forex@boomingbulls.com पे अपना CMS का ID मुझे जरूर भेज देना, नाम और नंबर के साथ, ताकि आप कॉन्टैक्ट में रहो। बहुत सारे गिवअवेज होते थे, मैंने किए थे लास्ट ईयर, मैं फिर से चालू करूंगा तो आप तभी उसका पार्ट ले पाओगे अगर आपका अकाउंट हमारे थ्रू ओपन है तो। ठीक है, चलो गाइस मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, और सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारे लोग बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देखते रहते हैं, और जुड़े रहना, बहुत सारा अच्छा कॉन्टेंट आने वाला है। ठीक है, चलो बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।